लोग तो बिस्तर के अंदर जाके चद्दर लेके वो सीरियल देखते हैं। खुद मैंने वो सीरियल जो है बहुत डांसर बनते बनते मैं एक्ट्रेस कैसे बन गई, बिकॉज जब मैं स्टेज पर आई जयपुर फुट के साथ तो रामोजी राव सर वांटेड टू मेक अ फिल्म ऑन माय लाइफ स्टोरी। आज के जमाने में ऐसा कॉन्सेप्ट ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं चलते। वो जो एक थॉट है, एक उस थॉट को एक चेंज लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो वो साड़ियों के ढेर पे जाकर बैठती है, तब बोलती है ठाकुरायन अब बात करते हैं, क्योंकि आंख से आंख मिलाने में बड़ा मजा आता है। आपकी अपनी जो कहानी, लोगों ने मुझसे यही कहा कि चलो आर्टिफिशियल लिम के साथ तुम एजुकेशन तो कर पाओगी बट डांस मुश्किल है, इससे लोगों को फिल्मों में काम नहीं मिलता। तो मुझे वो एक शब्द बहुत बुरा लगा, ऐसे लोग, मैं उनके पास जाती हूँ, मैं उनसे मिलती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे डांस करना है। मैं यहाँ आई और बार बार मैं अपने पेरेंट्स की तरफ देखती रही, दे वर अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। तो उस टाइम पे मैं 6 साल मैंने काम नहीं किया, मुझे काम नहीं मिला, बट मैं सिर्फ एक होता है ना कि एक होप या एक उम्मीद, मेरी माँ हमेशा से डांसर बनना चाहती थी, वो नहीं बन पाई, तो उसके सारे सपने, शी इज टू सीन मी, और मैं ओनली चाइल्ड थी, वो महज एक फिल्म नहीं थी, वो एक इंस्पिरेशनल कहानी थी। जब आप सीरियल के सेट पे आए और सबसे पहले आपको सुधा चंद्रन मिल जाए तो मतलब जो इंटरव्यूज की डोरी है वो सही जगह बंधी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही सेट पे आए हैं और हमारी डोर भी बंद गई है। बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच मैम, आपसे मिलके जो है बड़ा अच्छा लगा मुझे। यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ पीपल। थैंक यू। एंड आज वी आर टॉकिंग अबाउट डोरी जी, जिसमें आपका डबल रोल है जी, दो दो सुधा चंद्रा, मतलब एक ही बहुत टैलेंटेड है, यहाँ दो दो हमें नजर आ रही हैं। हाँ, दो अलग किरदार है, एक हार्डकोर नेगेटिव है और एक हार्डकोर पॉजिटिव है। नेगेटिव की बात करते हैं पहले, क्योंकि टीवी वाले में जो नेगेटिव होता है वो इम्पैक्ट ज्यादा छोड़ता है। कैलाशी जी, बिल्कुल कैलाशी ठाकुरायन जी। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल, बिकॉज एक होता ना जब आप हिट पे हिट सीरियल्स देते हैं, जैसे एक नागिन हुआ, उसके बाद फिर लोगों ने यही पूछा कि अब इसके आगे क्या, तो इट बिकम्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप खुद नहीं समझ पाते हो, बिकॉज टेलीविजन में आप इतना काम करते हो, तो एक चुनौती एज एन एक्टर खुद के लिए भी है कि आगे हम क्या करें। एंड दैट वॉज वेन दिस हैपेंड, जब डोरी की कहानी मैं गई थी उनसे मिलने, हमारे प्रोड्यूसर्स जय मेहता एंड किन्नरी मेहता जी, तो जब मैं ये कहानी सुन रही थी तो कैलाशी ठाकुरायन का रोल बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, बिकॉज ये सिर्फ एक नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव के साथ बहुत सारे शेड्स थे, एंड दिस इज वॉट आई वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर, कि नागिन के बाद अगर सुधा चंद्रन एक किरदार में वापस आ रही है तो फिर ये एक वो किरदार है, एंड दैट इज हाउ कैलाशी ठाकुरायन हैपेंड। और जब मैं नरेटिव और नरेशन सुन रही थी तो कहानी 6 versus 60 की कहानी है ये, एक छोटी सी बच्ची जो एक 60 साल की उम्र की जो एक औरत है वो अपने एक हार्डकोर प्रिंसिपल्स के साथ अपनी जिंदगी जी रही है, उसकी इस सोच को बदलने के लिए एक छोटी सी बच्ची उसके सामने खड़ी होती है, तो टेलीविजन पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था ये। और कैलाशी ठाकुरायन बेसिकली शी डजंट लाइक फीमेल चाइल्ड इन द हाउस, उसका यही मानना है कि लड़की कभी वंश को आगे नहीं बढ़ाती, सिर्फ लड़के वंश को आगे बढ़ाते हैं, तो दिस वॉज अ क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी। और बहुत प्यार से और बहुत ही सही वक्त पर एक होता है कि टेलीविजन इज नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के साथ हम एक सोशल मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं, कि आज भी ये सोच बहुत ही प्रिडोमिनेंटली प्रिवेलेंट है समाज में, जितना भी हम ये कहें कि हम लड़कियों को वो चांस दे रहे हैं, लड़कियां उन्नति कर रही है, लड़कियां बहुत कुछ कर रही है, बट कहीं ना कहीं आज भी वो एक है कि अच्छा लड़की हुई है, लड़की है, तो वो जो एक थॉट है, एक उस थॉट को एक चेंज लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इनिशियली जब डोरी की शुरुआत हुई तो लोगों ने यही कहा कि आज के जमाने में ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं चलते, बट वी हैव प्रूव्ड इट रॉन्ग, क्योंकि डोरी बहुत अच्छी ओपनिंग, आई थिंक इट वॉज अ बिगेस्ट ओपनिंग इन 2023, एंड आज भी जब लोग देख रहे हैं तो डोरी को बहुत पसंद कर रहे हैं। एक छोटी बच्ची की कहानी है, उसकी एक जर्नी है, उसमें कैलाशी ठाकुरायन कैसे मतलब हर जगह उसके लिए एक ऑब्स्टिकल, एक रुकावट, उसको टॉर्चर करती है, तब भी कहते हैं ना नारी शक्ति, जो बचपन से एक बच्ची में है, शायद हम उस चीज को इग्नोर करते हैं, तो दैट इज व्हाट इज स्टोरी इज ऑल अबाउट। अच्छा, सीरियल्स में जब तक ट्विस्ट नहीं आते जी,
तब तक मजा नहीं आता, मतलब अगले एपिसोड में क्या होगा अगर आपने एंड में नहीं छोड़ा तो फिर लोग नहीं देखने आएंगे। आजकल तो दुनिया भर के सीरियल्स हैं, ओटीटी है, ये वो लोगों के पास एक क्लिक में है। अब क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स स्टोरी में आने वाले हैं, क्योंकि कुछ मैंने देखा आप कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा शूट कर रहे थे, जो बच्ची है उसने कुछ 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 पत्ते वत्ते टाइप कुछ पहने हुए। वो अब बच्ची नहीं रही, वो बच्चा बन गई है, वो अब भोला बन के आई है, डोरी अब भोला बन गई है, क्योंकि अग्नि जो है वो इस घर के अंदर आ गया है और वो पूरी तरह से कैलाशी के वश में है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कैलाशी ठकुराइन ने उसे दो बार मतलब उसे नई जिंदगी दी है। तो अग्नि इज टोटली मतलब इंडेटेड टू कैलाशी, वो उसकी माँ है, वो जो बोलेगी वो सुनेगा। अब डोरी डोरी बनकर अपने फादर को बहुत कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि तुम अग्नि नहीं हो, तुम गंगा हो, पर वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो अपनी पहचान बदल कर वो इस घर के अंदर आए, तो वो भोला बनकर आती है, लड़का बनकर। अब जैसे ही वो इस घर के अंदर घुसने की कोशिश करिए तो ऑब्वियसली ऑब्स्टिकल्स है, तो जो ट्विस्ट एंड टर्न्स की हम बात कर रहे हैं कि कैलाशी उसको छोड़ेगी नहीं, अग्नि उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, माया की अपनी एक चाल है कि डोरी तो मर गई है, चलो उसकी जिंदगी से वो निकल गई, अब वो आए तो कैसे आए, तो वो भोला बनकर इस घर के अंदर आती है और कैलाशी उसे पकड़ लेती है। अब उसके पोते पर कुछ एक आफत, एक मुसीबत आ रही है, तो जो उनके फैमिली पुरोहित है वो कहते हैं एक नजर बट्टू की जरूरत है। नजर बट्टू कौन? जो आपके परिवार के हर दुख और दर्द को वो अपने सर पर ले। तब कैलाशी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इस भोले को ही हम बना ले, तो वो उसको पकड़ के अब उसका नजर बट्टू वो बन गई। तो अब उस पर जितना अत्याचार करेगी ये औरत सिर्फ इसलिए ताकि उसके पोते को कुछ ना हो, तो ये ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो आगे वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे। एक आपने चीज बोली 6 वर्सेस 60, जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यही तो कॉन्सेप्ट है, 6 साल की बच्ची से कंपीट करना, कंपीट वर्ड बोलूं या आइडियोलॉजी की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, वो कितना डिफिकल्ट था, बिकॉज आप कहीं ना कहीं एज एन एक्ट्रेस ऑल्सो यू आर वेरी सीनियर, एंड यहां पे भी आप 60 साल कि जो लेडी है वो क्या नाम है 6 साल के बच्चे से वो कर रही है, तो वहां जो क्योंकि बात ये ना जब दो सासें लड़ती हैं या सास बहू लड़ती है तो कहीं ना कहीं ठीक है एक एज डिफरेंस उतना नहीं होता, बट यहां तो बच्चा है। यही तो खासियत है डोरी की, जब हम देखते हैं फैमिली पॉलिटिक्स है, किचन पॉलिटिक्स है, इससे थोड़े से लोग उब गए हैं, ये काफी उब गए। हाँ, तो उसमें क्या है कि ये जो बच्ची है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किरदार बन के आई है। एक यू लव हर, कई बार ऐसा होता है जब मैं खुद उसको टॉर्चर करती हूँ सीन्स में तो तरस आता है मुझे उस बच्ची पर, हे भगवान ये क्या कर रही हूं मैं। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ 6 वर्सेस 60, कई बार ऐसा होता है कि हमने भी जब हम बच्चे थे तो हम अपने दादी या नानी से आर्ग्यू करते थे, ये ऐसा क्यों, ये सही नहीं है, आई थिंक वक्त आ गया जब हम इस चीज को हम चेंज करें। तो वही कॉन्सेप्ट है यहां पर कि डोरी नेगेटिव वे में कभी भी कैलाशी से नहीं टकराती है, वो कभी अपनी सीमाएं नहीं लांघती, वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपकी जो सोच है वो थोड़े से ओल्ड फैशन्ड है, वक्त के साथ चलिए। तो वो शी बिकम्स टुडेज जनरेशन, जो बहुत कुछ कहने की कोशिश करती है कि देखो ये सोच जो है इसको हम थोड़ा सा बदलते हैं, आप रॉन्ग दिशा में जा रहे हो। दिस मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब वो आती है तब सौदा करती है मेरे साथ, एक छोटी सी बच्ची और वो नीचे नहीं खड़ी रहती है, वो टेबल के ऊपर चढ़ती है, तो ये बोलती है कि तुम ऊपर क्यों चढ़ रहा है, तो बोलता है तभी तो नजरें मिला के हम बात कर सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स आ रहे हैं, बिकॉज डोरी भी वही बोलती थी, अगर आपने प्रोमो देखा होगा तो वो साड़ियों के ढेर पे जाकर बैठती है, तब बोलती है ठकुराइन अब बात करते हैं क्योंकि आंख से आंख मिलाने में बड़ा मजा आता है। सो दिस इज द 66 वर्सेस 60 कॉन्सेप्ट, जो कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, बट आज की जनरेशन आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त पे वो ठीक था बट क्या आज के टाइम पे वो सही है। तो इट्स एक्चुअली एन आई ओपनर फॉर अ जनरेशन जो बहुत ही हार्डकोर अपने वैल्यूज को पकड़ के आज भी बैठे हैं। अच्छा, आज अगर कंटेंट की बात करें मैम, एक टाइम ऐसा होता था जब हमारे पास सिर्फ सीरियल्स होते थे, जी, या तो हम पिक्चर देखने जाते थे, बट डेली बेसिस पे हम सीरियल ही देखते थे, फिक्स था 8 बजे ही आएगा, 8:30 ही आएगा, ये आएगा, बट आज लॉट ऑफ कॉन्टेंट ओटीटी है, तो हाउ यू सी कि सीरियल्स की जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं ना कहीं पहले वाली नहीं रही जो एक जमाना हमने देखा कि मतलब क्योंकि उस टाइम पे आपके पास ऑप्शंस नहीं थे, आज आपके पास ऑप्शंस हैं,
प्लस जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ टेलीविजन के सामने बैठ के टेलीविजन देखें, ऐसा नहीं. एग्जैक्टली आज ऐसी बात नहीं है कि टेलीविजन इज नॉट हैपनिंग, इट इज स्टिल हैपनिंग. बिकॉज आज भी जिस दौर से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं टेलीविजन देखना पसंद करती हूँ. ओटीटी में एक हाथ अगर कोई किसी ने कुछ कह दिया तो मैं देखूँ, वो भी अगर मुझे और मेरे थॉट्स और आइडियोलॉजीज को वो अगर सूट करते हैं तो. बिकॉज कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जब आप फैमिली के साथ बैठते हो तो देर आर सर्टन कॉन्टेंट विच यू कैन नॉट सी विद योर फैमिली. एंड आई बिलोंग टू एन ईरा. सी मैं आई बेग टू डिफर, हो सकता है कि दूसरे लोगों की सोच अलग हो, बट मैं अपनी बात कर रही हूँ. आई वॉन्ट टू सी समथिंग कि मैं अपने परिवार के साथ बैठ के डिग्निफाइड वे में मैं कॉन्टेंट देखूँ. तो है, बट आज भी कुछ लोग हैं, एक सेक्शन आज भी डेडिकेटेड टेलीविजन व्यूअर्स है. बिकॉज अगर ऐसी बात नहीं होती तो सीरियल्स नहीं चलते. बिल्कुल नहीं, सीरियल चल रहे हैं, चल ही रहे हैं, अच्छे खासे चल रहे हैं. और अगर हम कहते हैं कि उस टाइम पे जो एक दौर था वो एक शुरुआत थी, तो लोगों को एक इंट्रीग था, अरे लोग हमको फॉलो करते थे. ये क्या, अब क्या हो गया है कि आपके पास इतने एवेन्यूज है, इतने ऑप्शन है, नॉट जस्ट इंडियन कॉन्टेंट वाइज. तो लोग कोरियन टेलीविजन देख रहे हैं, पाकिस्तानी टेलीविजन देख रहे हैं. तो इसमें क्या हो गया है कि लोगों के पास ऑप्शन है एंड ऑप्शन आर अवेलेबल ऑन योर ऐप. तो ये भी जरूरी नहीं है कि माँ बोले भैया मेरे को ये टाइम पे ये टेलीविजन ये सीरियल देखनी है, तो बेटा बोलता है ठीक है आप देख लो ना, मैं तो अपने ऐप पे देखता हूँ. सो यस, देर इज अ डिविजन ऑफ व्यूअरशिप, बट डेडिकेटेड व्यूअर्स आज भी है. एंड टेलीविजन मैं हमेशा बोलती हूँ वो तब भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा. अच्छा, बट थोड़ा सा कंटेंट पे हमको सोचना पड़ेगा. बिल्कुल, वो तो हमेशा कंटेंट इज द किंग. नहीं, बट कई बार उस टाइम पे ना वी टुक ऑडियंस फॉर ग्रांटेड. अब आप ऑडियंस को ग्रांटेड नहीं ले सकते. अब तो खैर बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं अगर कंटेंट ना हो. कंटेंट ना हो, छोटे छोटे स्टार्स की फिल्में चल जाती हैं अगर कंटेंट. मिसाल के तौर पे 12th फेल, आई थिंक ये सबसे बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट. मतलब हम तो जब मैं देख रही थी फिल्म तो मैं मतलब एक पल के लिए भी मैं अपनी मेरी नजरें नहीं हट रही थी, क्योंकि आई वॉन्टेड टू नो कि अब क्या होने वाला है. राइट, लापता लेडीज का भी जिक्र किया. लापता लेडीज भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहा है. सो इट्स गुड कंटेंट. क्या 12th फेल, अगेन मैं बोलती हूँ इट्स नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, देयर वाज अ स्टोरी, एक इंस्पायरिंग कहानी. इंस्पायरिंग कहानी कि कितने ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते. बट वंस यू वॉच 12th फेल, मतलब मैं खुद अपने आप को एक मिसाल समझती हूँ लोगों के लिए, बट 12th फेल देखकर मैं इंस्पायर हो गई कि मैंने कहा यार क्या कहानी है. एंड दिस इज वॉट हैज टू गो टू द कमिंग जनरेशंस. राइट, इंस्पायरिंग की आपने बात की तो मैं उसी पे आऊंगा. एक सवाल जो मैंने हमेशा से सोचा था कि जब भी आपसे मुलाकात होगी मैं पूछूंगा, आप शायद इस सवाल का जवाब हजारों बार दे चुकी होंगी, लाखों बार दे चुकी होंगी, बट हो सकता अब देंगी तो और कुछ लोग इंस्पायर होंगे. आपकी अपनी जो कहानी है दैट इज ऑल्सो वेरी इंस्पायरिंग. मतलब यू मेड एन एक्सीडेंट एंड देन यू कम बैक, वेंट ऑन टू बिकम ग्रेट एक्ट्रेस. मैं उस दौर के बारे में जानना चाहूंगा, हाउ यू डिड दैट एंड व्हाट हैपेंड. मैंने कहा आप 500 बार बता चुकी हैं, मुझे पता भी है. मैं बात कर रही हूँ दौर की भी, मैं बात कर रही हूँ क्योंकि आज की तारीख में एक्सपोजर्स बहुत है. सी एट द क्लिक आपको पता है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, पर उस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना स्ट्रांग या इतना वास्ट नहीं था, जिसकी वजह से जब मैं इस एक्सीडेंट के बाद मैं हमेशा यही सोचती रही कि अब मैं क्या करूँ, मतलब अपनी जिंदगी को मैं कैसे जीऊँगी. बात डांस की थी क्योंकि मैं एक डांसर थी, तो लोगों ने मुझसे यही कहा कि चलो आर्टिफिशियल लिम के साथ तुम एजुकेशन तो कर पाओगी बट डांस मुश्किल है. और उस वक्त मैं अपने पेरेंट्स की तरफ देखती थी एंड आई ऑलवेज से कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरे पेरेंट्स की वजह से है. बिकॉज मैं उस वक्त सिर्फ कुछ ऐसा करना चाहती थी विच विल मेक माई पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ मी. और उस वक्त सिर्फ एक ही वो एक क्वेश्चन मार्क था कि क्या सुधा तुम कभी डांस कर पाओगी. अब मैं सोचती रही कि मैं कैसे डांस करूं. एंड जैसे कि जब आप आज बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, पर मैं उस वक्त ये बोलती हूँ कि वो भगवान पर एक विश्वास था. मैं ज़्यादातर अपने भगवान से बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, तो उस वक्त भी मैं यही पूछती रही कि ये मेरे साथ हुआ क्यों, और अगर ऐसा हुआ है तो इसका सोल्यूशन क्या है. चूँकि ये प्रॉब्लम तुमने मुझे दिया है, अब तू ढूंढ क्या सोल्यूशन है. एंड सो ट्रू, विद इन 2 months डॉक्टर पी के सेठी गेट्स द रामन मैग्सेसे अवार्ड फॉर द जयपुर फुट. मैं उनके पास जाती हूँ, मैं उनसे मिलती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे डांस करना है. और डॉक्टर सेठी हमसे कहते हैं कि क्यों नहीं हो सकता, इट्स वेरी इजी, जाओ जयपुर फुट ले लो और डांस शुरू करो. तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे मिल गया है. बट जब मैं बॉम्बे आई और मैंने शुरुआत की तो मुझे ऐसा लगा कि बॉस
इतना भी आसान नहीं है जितना डॉक्टर साहब कह के मुझे वहाँ से भेज दिया उन्होंने। मुझे ऐसा लगा कि कोई लॉलीपॉप तो नहीं बांध के मुझे भेज दिया। फिर मैं यहाँ आई और बार बार मैं अपने पेरेंट्स की तरफ देखती रही। दे वर अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, क्योंकि अक्सर मैं ये बोलती हूँ कि कुछ सपने जो पेरेंट्स साकार नहीं कर सकते वो अपने बच्चों के जरिए साकार करना चाहते हैं। तो मेरी माँ हमेशा से डांसर बनना चाहती थी, वो नहीं बन पाई, तो उसके सारे सपने शी इज़ टू सीन मी और मैं ओनली चाइल्ड थी। तो मुझे ऐसा लगा कि हे भगवान, मुझे वो एक मौका दो कि मैं वो कर दिखाऊँ, उसके बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। ये बोलते बोलते मैंने 3 साल निकाले, प्रैक्टिस करती रही करती रही। फिर एक दिन मैंने कहा कि अब मैं तैयार हूँ, अब मैं डांस करूँगी, और मैंने 3.5 घंटे मैंने परफॉर्म किया। एंड इट वॉज एन एब्सोल्यूट एट्रीब्यूट टू माई पेरेंट्स। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स को वो देना चाहती थी, और आज भी मैं यही बोलती हूँ और हर इंटरव्यू में बोलती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को सिर्फ इंटरेस्ट दे पाई हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट आज भी पेंडिंग है, वो हम कभी नहीं दे सकते। नहीं, मुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे और तब भी मैं ये ऋण नहीं चुका पाऊंगी। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे और जन्म दे और हर जन्म में मेरे पेरेंट्स ही मेरे माता पिता बने। अच्छा, यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी डांसर या एक्ट्रेस? आई नेवर वॉन्टेड टू बी एनीथिंग। मैं 3 साल की थी जब मैं डांसिंग मैंने शुरू की, तो 3 साल की उम्र में कोई भी बच्चा नहीं डिसाइड कर सकता है। तो दिस वॉज वॉट माई मदर वॉन्टेड फॉर मी, दिस वॉज वॉट माई फादर वॉन्टेड फॉर मी, और मैं उन सपनों को साकार करना चाहती थी। डांसर बनते बनते मैं एक्ट्रेस कैसे बन गई, बिकॉज जब मैं स्टेज पर आई जयपुर फुट के साथ, तो रामोजी राव सर वॉन्टेड टू मेक अ फिल्म ऑन माई लाइफ स्टोरी, और एक फिल्म के जरिए, जैसे आपने कहा इंस्पिरेशन, वो महज एक फिल्म नहीं थी, वो एक इंस्पिरेशनल कहानी थी, और इतने लोग उसे इंस्पायर हुए हैं। और जब मैं लोगों से अभी भी मिलती हूँ तो वो बोलते हैं कि मैम नाचे मेरी चेंज आर लाइफ। तो मैं कब एज अ डांसर, फ्रॉम अ डांसर टू एन एक्ट्रेस बनी, ये मुझे खुद नहीं पता चला। और एक्ट्रेस बनने के बाद तभी लोगों ने मुझसे यही कहा कि यू आर वन फिल्म वंडर, क्योंकि आपकी ये अपनी कहानी थी। एंड आई थिंक दिस वॉज द फर्स्ट बायोपिक दैट वॉज मेड। जो आज हम बायोपिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन नाचे मयूरी का जिक्र कहीं पर भी नहीं है, और ऐसी कोई कहानी नहीं है जहाँ बायोपिक में सेम कैरेक्टर ने एनैक्ट किया है। नाचे मयूरी इज ओनली फिल्म जहाँ पर मैंने खुद अपने एक ऑटोबायोग्राफिकल रोल को मैंने एनैक्ट किया है। सैड बट इट्स नॉट बीन टॉक्ड अबाउट। उसके बाद मैं एक्ट्रेस बनी, फिल्म सुपर हिट, तब लोगों ने कहा अरे छोड़ो ना, ये एक वन फिल्म वंडर है, ये ऐसे लोगों को फिल्मों में काम नहीं मिलता। तो मुझे वो एक शब्द बहुत बुरा लगा, ऐसे लोग क्या होता है, आप कौन होते हो सेग्रीगेट करने वाले। तो उस टाइम पे मैं 6 साल मैंने काम नहीं किया, मुझे काम नहीं मिला। बट मैं सिर्फ एक होता है ना कि एक होप या एक उम्मीद कि कुछ तो ऐसा होगा कि मैं इस चीज़ को मैं डिसप्रूव करूँ। अगेन द मैजिक हैपेंड, क्योंकि एकता कपूर की तरफ से, बालाजी टेलीफिल्म्स की तरफ से आई गॉट कहीं किसी रोज़, जो एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट कैरेक्टर था। जो नाचे मेरी एक हाउस होल्ड लड़की थी वो बनी रमोला सिकंद, एक स्टाइल आइकन ऑफ टेलीविजन। और जब ये सीरियल बहुत हिट था तब मुझे गोपी जी की याद आ रही थी, गोपी किशन जी, क्योंकि वो मेरे कोरियोग्राफर थे नाचे मयूरी में। तो मुझे देखकर हमेशा बोलते थे तेरी आंखें डायन की आंखें हैं, लाल पत्थर कभी बना ना तो हेमा जी का रोल तू करेगी। मैं बोलती थी मास्टर मैं बहुत गरीब सी लड़की हूँ, बहुत सिंपल इमेज है मेरा। तो शायद उस टाइम पे गोपी जी ने ये देखा था या सोचा था, जो कई साल बाद मैं एज ए नेगेटिव कैरेक्टर किरदार लोगों के सामने आई एंड इट बिकेम द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर। वो तो खैर उस वक्त मतलब 11:30 बजे रात को, 11 बजे तो मतलब आप सोचिए कि 11 बजे जब आधे लोग सो जाते हैं तो वो उस सीरियल को देखा करते थे। लोग तो बिस्तर के अंदर जाके चादर लेके वो सीरियल देखते थे। मैं खुद मैंने वो सीरियल जो है बहुत रेगुलर व्यूअर था मैं उस सीरियल। मैंने बताया ना वो एक दौर था जब हम शायद सीरियल्स के दीवाने हुआ करते थे, तब ये था कि इट वाज न्यू और हम मतलब फिक्स होता था कि इस टाइम पे ये इस टाइम पे वो। और क्या था ना, जो ग्लॉस हम फिल्मों में देखते थे हो सकता है कि कई बार हम थिएटर तक नहीं पहुंच पाते थे, बट टेलीविजन एक ऐसा मीडियम है जो आपके बेडरूम तक पहुंचता था उस टाइम पे। राइट, सो दैट वाज द इनोवेशन एट दैट टाइम। अच्छा, अभी एक्टिंग ज्यादा एंजॉय करती हैं या डांसिंग ही अभी मतलब मन को सुकून? मुझे दोनों। आई थिंक डांस, ये पूछना बहुत ही मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन कि आप क्या पसंद करते हैं, क्योंकि दोनों आर्ट से जुड़ा हुआ है एंड दे बोथ गो हैंड इन ग्लव। आज अगर लोग कहते हैं कि मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ तो मे बी बिकॉज मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ, एंड चूंकि मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ तो डांस के परफॉर्मेंसेज मैं कर पाती हूँ क्योंकि मैं लोगों तक पहुँच पाती हूँ। सो आई थिंक दे आर वेरी हैंड इन ग्लव, तो उसको मैं सेग्रीगेट बिल्कुल नहीं कर सकती। अच्छा, टीवी डिमांडिंग ज़्यादा है कंपेयर टू फिल्म? हम जानते हैं ना कि प्रोफेशन के मतलब
व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ अ प्रोफेशन, ये जानकर ही हम आए हैं टेलीविजन में. तो देर इज नथिंग टू से कि भैया वर्किंग आवर्स ज्यादा है. मैं जानती हूँ कोई आपको ब्लाइंड फोल्ड करके तो नहीं लेकर आया है, और टेलीविजन में इतने सालों से कर रही हूँ, तो आई एम प्रिपेयर फॉर इट. क्योंकि जितना मैं हार्डवर्क करती हूँ, जितने में वर्किंग आवर्स इनपुट है मेरा, उसका सक्सेस मुझे मिल रहा है. बिल्कुल. सो आई हैव नथिंग टू रिग्रेट, और मैं कभी कंप्लेन नहीं करूंगी इसके बारे में. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. रियली एन इंस्पिरेशन. थैंक यू सो मच. आपकी बातें सुन के वाकई में लगता है कि मतलब हम लोग, आज की जनरेशन जो है, क्रिप करती रहती है कि यार बहुत काम है, बहुत काम है. बट स्टिल आप सुबह 8:30 बजे आते हो सेट पे, रात के 9 बजे तक रहते हो, एंड एज फ्रेश. और मैं चू चपड़ नहीं करती. चू चपड़ नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती. और 9 बजे के बाद कोई मुझे रोक नहीं सकता. ये भी होना ये भी है. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर डोरी. अच्छा चल रहा और सुपर्ब चल रहा है. ऐसे ही चलता रहे और ट्विस्ट एंड टर्न्स लाती रही है. बस हम दर्शकों को भी यही कहना चाहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर लविंग डोरी. बस इसी तरह आप, यू कीप लविंग डोरी, प्यार बरसाते रहिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अनकंडीशनल लव. थैंक यू मैम. थैंक यू.